सो वेलकम बैक गाइस। आज अभी मैं गांव में हूँ और गांव में आज हमारी बारी है बकरियाँ चराने की। तो मैं आज आपको हमारे गांव का जंगल दिखाऊंगा और भी जो खूबसूरती है वो सारा कुछ मैं कवर कर लूँगा। सो आखिर तक रहिएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर खेत वगैरह हैं इसलिए यहाँ पर रख नहीं सकते, तो हम सब ऊपर लेके जाएंगे। सो गाइस, हमने पहुंचना है ऊपर जो पहाड़ के लास्ट वाइसनी है। यहाँ पर बकरियाँ यहाँ ले जाना है, फिर वहाँ जाने के बाद शुरू से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। वहाँ से मठनेमा ने प्लेस है वो आएगी, फिर उधर से बैक होना है, कम बैक होना है। अभी हम 5 मिनट हुआ है कि बस घर से निकले हैं। यहाँ पर इधर नीचे हमारा घर है, इधर से हम निकल के आए हैं। सिर्फ 5 मिनट अभी हुए, तो आज मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव के ऊपर जो माउंटेन साइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। फिलहाल हम बकरियां लेके आए हैं, अभी पहाड़ में चढ़ने वाले हैं। पहाड़ में जाने के बाद मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ इसका। यहाँ से हम पहाड़ में एंटर करने वाले हैं। ये वाला एरिया था हमारे खेत वगैरह जो चरागाह मौसम मिल से नीचे। तो इस टाइम हम इंटर करने वाले हैं। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये जो बकरियाँ हैं ये खुद बखुद रास्ते पर चलती है, उनको फोर्स करने की, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आधी है इस रास्ते में और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस साइड, इसलिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सारी बकरियाँ खुद ब खुद रास्ते पे चल रही है। यहाँ से अपने गांव का एक व्यू दिखाता हूँ। अभी ऑलमोस्ट सूरज क्लियर होने वाली है, देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू है। असल में हमने उस साइड जाना था लेकिन सोचा उस साइड पहले भी गए हैं, आज इस साइड निकलते हैं। ये जो एरिया है जिस पर हम जा रहे हैं इसको हमारी ज़ुबान में दमई कहते हैं। यहाँ से एक खूबसूरत व्यू दिख रहा है गांव का। ये वाला साइड है छरकोट, ये खावला साइड है और इसको कहते हैं हुनकोट। और यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल है जहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं कुछ, पता नहीं भी बन होगा शायद। ये है जी गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर मैंने 8 क्लास तक पढ़ा है। ये शेड व्यू है गाँव का। ऊपर निकलते हैं जी, बकरियाँ बहुत दूर जा चुकी है ऊपर, फिर ऐसा ना हो वो गायब हो जाए और हम यकीन करें ये रास्ते इतना खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस। देखो सिर्फ चट्टान और पत्थर ही पत्थर, यहाँ पर पत्थर पे चढ़ते हुए ऊपर निकल रहे, मामले भी पैर फिसल गया यहाँ से, तो आप वापस नहीं जा पाओगे। ऑलमोस्ट सनशाइन होने वाली है। ये पूरा गांव यहाँ से नजर आ रहा है। वहाँ पर एक 400 साल पुराना फोर्ट है जिसको हम ब्रिटिश शिकारी थे इधर।
ये वाला अगर आपको नजर आ रहा है, बस आने दे, हम काफी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको गांव का एक व्यू दिखाता हूँ, खूबसूरत देख सकते हो, यहाँ पर पूरा गांव नजर आ रहा है यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम पहाड़ के दरमियान पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी है, यहाँ थोड़ा रखें, फिर मजीद ऊपर लग जाएंगे ऊपर पहाड़ के टॉप। यहाँ से आप गाँव का एक व्यू देखा था, अभी अभी सूरज शुरू हो चुका है यहाँ पर, इसलिए सही नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में नीचे साइड, ये अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ये वाला है यहाँ, तकरीबन आया ऊपर पहुँच चुके हैं पहाड़ के लास्ट पे, तो यहाँ पर कुछ टाइम रखना है फिर यहाँ से। बहुत दूर आ चुके हैं ऊपर, इतनी तेज धूप है, इतनी प्यास लग रही है, क्या होता है, पानी नहीं मिल रहा है, बट लाइक इस डेट हम ये भूल जाने भी भूल गए। अभी वहाँ बकरियाँ तो बड़ी मजे बड़े मजे ले रहे, वहाँ पर जगह टाइप है, यहाँ पर आई एम सर्चिंग फॉर वाटर बट टोटली फेल। ओके लेट्स सी, आगे देखते हैं, लगता है उधर कहीं पानी है, उधर जाके मिलते हैं। सो यकीन करो भी ऑलमोस्ट टच द स्काई, बस आसमान को छूने वाले हैं, लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पर, पानी नहीं मिल रहा है यार, क्या करे तो क्या नहीं करे। बकरियाँ इस टाइम किधर है, यहाँ है, दिखाई दे रहे हैं उधर उधर कहीं है बस बकरियाँ इस साइड में, इसलिए लेकिन यहाँ पर कितनी दूर है, कितनी देर है दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ इधर हम ये दिख रहे, यहाँ पर है जी बकरियाँ। ओके और मैं यहाँ नीचे आराम कर रहा हूँ इस टाइम, हम बहुत दूर जाए हैं नीचे। खड़ा ही नहीं हो सकता यार। ओके अगर ऊपर जाके मिलते हैं कि इतनी प्यास लगी है कि बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। ओके वैसे ये सारे पहाड़ देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, तो शेर कुछ इस तरह से है कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं यहाँ पर है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब कि हम पत्थर में रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बकरियाँ बड़े मज़े ले रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में, तो हम यहाँ पर कुछ टाइम रुकेंगे। वैसे हमारी मर्ज़ी नहीं चलती यहाँ पर, बकरियों की मर्ज़ी चलती है, जब ये चलते हैं हम फिर उनके पीछे चलते हैं, वरना हमारी मजाल थोड़ी इनको कंट्रोल करें, इनको रास्ता पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सारा कुछ पता है।
यहाँ का भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन नज़ारा है, जन्नत के किसी टुकड़े से कम नहीं। अभी वापिस जाने का टाइम हुआ है, अभी टाइम बजे हैं दो, आराम से जाएंगे 5-6 बजे घूमने बकरियाँ वहाँ मज़े ले रहे हैं। वहाँ लगता है कोई वाटर है, फिर हम पानी पियेंगे, फिर हम भी साथ चलेंगे। उधर से उधर जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे, उस एरिया में उधर से फिर हम आएंगे। इस तरह से वहाँ बकरी वगैरह वहाँ पर इस टाइम वो वहाँ मज़े ले रहे हैं। यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पर एक दूर गए उधर जब देख कर बकरी जान आ रही। अभी वापस भी जाना पड़ेगा, फिर उधर से उस साइड, फिर उस साइड से इस तरह आएंगे, इस तरह से आएंगे। सो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, यकीन करें कि बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा, इतनी थकावट हुई। ऊपर से हम यहाँ जंगल में फंस गए हैं, ये यहाँ पर कंटेदार जंगल में है दरख्त है, यहाँ पर अभी वहाँ से जाना है। अब उस साइड से किस तरह से उधर घर है, घर वगैरह उधर है, आप देख सकते हो उधर उधर पहुँचना है। तो अभी टाइम बजे हैं 4:42, हमने 5:30 तक वहाँ पहुँचानी है। तो चलो देखते हैं। सो गाइस सूरज ग्रुप होने वाली ही है, हम अब निकल ही चुके हैं बस अपने घर की तरफ, ठीक है। ये देख सकते हो बस सूरज जब ऊपर जाएगी ना, ऊपर से थोड़ी यहाँ तक, तब तक हमने पहुँचना है, तो थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। सो वी आर गोइंग बैक। यहाँ पर और भी बकरियाँ हैं, किसी और ने लाई इधर ये, फिर इसका नाम है किधर गया, ये है जी इसका चरवाहा, इसका नाम अजायब चाचा है और इसने भी लाया। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों मिक्स कर गई है और हमारे और इसके और हमारे ये मिक्स करके ले जाएं। सूरज आलमोस्ट ग्रुप होने वाली है, सूरज वहाँ तक, ये जो आप देख रहे हो लाइन, यहाँ तक जाने तक हमने पहुँचना है, तो बस हम अभी लेके ही जा रहे हैं। ओके गिन। Today I am very 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 tired. दोबारा मैं बकरियाँ चराने के लिए नहीं आऊँगा, कसम से यार। मैंने सोचा था बड़ा मज़ा आएगा, कहाँ मज़ा आता है भाग भाग के इनके पीछे भाग के इतना खुआर हो गया, और ना खाना खाया, दोपहर का खाना लाया था वो भी इसे ही लाए, भूख नहीं लगी। अब हम निकल चुके हैं जी, बस 20-30 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने घर। फाइनली यार पहुंचने वाले हैं, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। उधर से हम आए थे, उधर ऊपर गए थे उस पहाड़ में, उस पहाड़ के लास्ट में वहां गए, वहां जाके फिर हम लोग गए थे उसके ऊपर साइड से, इस तरह से कर के फिर वो पहाड़ में गए, उस पहाड़ से नीचे से हम वापस आ रहे हैं। ये मेरे लाइफ का बेहतरीन एक्सपीरियंस है, आई डोंट लाइक इट। बस पहुँचने ही वाले हैं, तकरीबन 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे जी। ये
है गांव का व्यू फ्रॉम द स्कूल साइड, पब्लिक स्कूल साइड। और जहाँ पर सूरज है वो व्यू है इस तक का, इसको इस तक के भी बड़ी खूबसूरत देते हैं। फाइनली पहुँच गए जी। मैं दोपहर को खाना खाया है, सुबह एक दो कप चाय पी के निकला, अब शाम को वापस घर पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी भी भूख नहीं लग रही है, अगर नुआ है ओके फिर घर सकते। वह रोड ये वाला रोड है, यहाँ पहुँचने ही वाला है, रोड के बाद तो बस 5 मिनट का रास्ता है। फाइनली हम रोड पा चुके हैं जी, फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अब मैंने यहाँ से ऊपर जाना है, छोटा भाई लेके जाएगा इनको, इनके